मंडला की बिछिया में प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान में कमी को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह कोकरिया और महिला सब इंजीनियर के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया और महिला सब इंजीनियर ने नगर परिषद अध्यक्ष की थाने में शिकायत भी की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान में कमी होने की बात महिला सब इंजीनियर ने कही थी और इसी बात को लेकर बीजेपी के नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह कोकरिया बौखलाए हुए थे। उन्होंने महिला सब इंजीनियर से कह दिया कि अगर आपके कपड़े उतार दिए जाए तो आपको कैसा लगेगा, बस से क्या था। इस तरह के अपशब्दों से महिला सब इंजीनियर को गुस्सा आ गया और वो तत्काल अपने स्टाफ के साथ थाने पहुंची, जहां पर नगर परिषद अध्यक्ष पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। और इस पूरे मामले की जैसे ही खबर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रागिनी परते को लगी, वो भी तत्काल थाने पहुंच गई और महिला सब इंजीनियर के साथ हुई बदसलूकी के आरोप में बीजेपी नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह कोकरिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बहुत ही हताश हो गई और बिल्कुल निशब्द हो गई कि इतने लोगों के सामने अध्यक्ष जी ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। उस कमरे में हमारे सीएमओ सर, वार्ड नंबर 12 के पार्षद, वार्ड नंबर 11 के पार्षद, वार्ड नंबर 5 के पार्षद महोदय भी उपस्थित थी। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार महिलाओं के लिए उचित न्याय देती है और उचित न्याय करेगी और पुलिस प्रशासन भी हमको सहयोग करेगा। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि आपके साथ जरूर न्याय होगा। नहीं, बदतमीजी नहीं की गई। जो उन्होंने जो शब्द बोले हैं वो उदाहरण के तौर पे बोले थे और ये शब्द अध्यक्ष महोदय को नहीं बोलना था, जिसमें तीन पार्षद, एक ठेकेदार और एक मैं, पांच जन वहां उपस्थित थे। किसी सुंदरता को अगर प्रदर्शित नहीं करेंगे कैसे होगा। मैंने कहा आप अगर बिना कपड़े के जाएंगी, मैंने ये कहा है, मैं स्वीकार करता हूं ना। मैंने उनको कहा कि अगर आप बिना कपड़े के जाएंगे तो कैसे दिखोगे, तो वो उसको गलत भावना से ले ली कि क्या ले ली और उसको किसने क्या किया है, उसको बढ़ा चढ़ा करके कह दिए कि तुम ऐसा कोट कर दो। अगर मैं ये कहा हूं, मैं उसमें तथस्थ हूं और मैं अगर उसने मेरे कहने को अनर्थ में ले लिया है तो वो उसकी समझ है। मैं ऐसे गलत भावना से, गलत सिद्धांत से ना मैं उसको अकेले कहा हूं, मैं तो अकेले उनको बुलाता भी नहीं हूं।